हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी श्वेता की देसी किचन में। आज मैंने अपने किचन में बनाई थी भरवा मिर्ची, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो बहुत सारी मिर्ची के अचार की रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने वीडियो में चैनल में, लेकिन ये होता है, ये जो मिर्ची है इसको आप साल भर के लिए भी रख सकते हैं या फिर आप कुछ टाइम के लिए। ये तो मेरी आधा किलो मिर्ची है जिसको मैंने धो के पोंछ दिया था। इसको मैं सिर्फ रख रही हूँ, एक हफ्ते या 10 दिन में मेरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। आप लोग एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ताज़ा ताज़ा अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है, जब तक मिर्ची गलती नहीं है तब तक खाने में बहुत अच्छी लगती है। वैसे मेरे साल भर का अचार जो लाल कलर की मिर्ची आती है ना, उसका भी रखा जाता है। अभी मैंने सारी मिर्ची का धो के उनको अच्छे से पोंछ लिया था, और उसके बाद मैंने उनको काट लिया था, कटिंग कर लिया था, जिससे कि मसाला अच्छे से भर जाए। उसके बाद एक पैन लिया है जिसमें मैं कुछ मसाले जो उसमें हमें डालने हैं उसको हम भूंजेंगे। ज़्यादा कोई हमें खास मसालों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस तो बेसिक मसाले हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, सौंफ डाली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है। ये हो जाता है भरवा मसाला बनाने के लिए, जो कि अचार के लिए सबसे अच्छा टेस्टी मसाला होता है। इसके बिना तो स्वाद नहीं आता है मिर्ची या कोई भी अचार हो, इसलिए ये तीन चीज़ें तो कंपलसरी हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और अच्छे से भून जाना चाहिए। इसके बाद जब ये भून जाएगा, 2 से 3 मिनट में ही भून जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पीली सरसों डालेंगे। पीली सरसों हम डालते हैं कलर के लिए, और क्योंकि इसमें इसको डालने से ना कलर अच्छा आ जाता है, एकदम येलो येलो कलर आ जाता है, इसलिए हम इसमें पीली सरसों थोड़ी सी डालेंगे, अराउंड 2 से 2.5 चम्मच। उसके बाद हम काली सरसों डालेंगे, इससे थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, तो मुझे लगा थोड़ा कम है तो मैंने और डाल दी थी। इसमें ना मसाला क्या है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है और आपने भूज के रख भी लिया है, बना के रख लिया है, तो आप उसको पैक करके फ्रिज में रख दीजिएगा। कभी भी दोबारा मिर्ची आप बनाना चाहें तो उसमें मसाले को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो मसाला वेस्ट नहीं जाता है। मेरी सासू माँ हमेशा ऐसे ही रखती है मसाले को, जैसे आम का अचार हो गया, मिर्ची का या नींबू का, अगर मसाला बच जाता है तो वो रख देती हैं। कभी दोबारा अचार रखती हैं तो उसी में काम आ जाता है, क्योंकि वो मसाला तेल डला हुआ होता है, या फिर आप सूखा भी रख सकते हैं। तो आप 1-2 महीने के बाद कोई और अचार डालना चाहें तो वो मसाला ख़राब नहीं होता है, नमक वगैरह मिला के रख देंगे तो। इसके बाद मैंने क्या किया है, थोड़ा सा तेल लिया है मिर्ची में डालने के लिए, अराउंड होगा 2 बड़े चम्मच, और उसमें मैंने हींग डाल दी है तेल गर्म होने के बाद। आप चाहे तो इसमें हल्दी अभी डाल सकते हैं जब तेल ठंडा हो जाए। मैंने इस बार हल्दी तेल में नहीं डाली है, अलग से ही डालूंगी। इसको 5-10 मिनट के लिए हमने रख दिया है साइड में, ठंडा हो जाएगा। और मैंने मसाले को पीस लिया था, आप चाहे तो थोड़ा दरदरा कर सकते हैं या फिर बिल्कुल महीन कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा महीन हो गया था, मैं थोड़ा दरदरा रखती हूँ। अभी इसका मैंने पूरा मसाला इसमें नहीं डाला है, थोड़ा बचा लिया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। इसके बाद मैंने नमक डाला है 2 बड़ी चम्मच भर के, बड़ी नहीं मतलब नमक की जो हमारी स्पून है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 से 3 चम्मच में नमक डाल दिया है, क्योंकि हमें नमक इसमें ज़्यादा चाहिए। अचार में कभी भी नमक आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा, इसीलिए ना नमक को आपको ज़्यादा ही डाला कीजिए, जिससे कि ज़्यादा एकदम इतना भी ना हो कि स्वाद से कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन इतना डालिए कि आपका अचार ख़राब ना हो और टेस्ट भी अच्छा आ जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आप ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, मिर्ची का अचार उसमें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा इसमें हल्दी पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर अराउंड 2 चम्मच डाला है छोटी वाली, और उसका जो तेल था वो हमने डाल दिया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, थोड़ा गर्म था, तो उसके अकॉर्डिंग ही डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, जो मसाला हमने ये तैयार किया है इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर गर्म है तो चम्मच से मिलाइएगा, मैंने हाथ डाल दिया था, गर्म था। तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला के फिर हम इसमें मिर्चियाँ भरेंगे। ये मसाला बहुत टेस्टी बनता है, इसमें आप चाहे तो अभी जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो इसमें आप जो आम आता है ना, आम का अचार कच्चा कच्चा भी रख सकते हैं, या नींबू के अचार में
रख सकते हैं। इसमें हम साबुत थोड़ी सी लाल मिर्ची होती है ना उसका तड़का डाल देते हैं, थोड़ी गर्म करके डाल देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन भी आप डाल सकते हैं इसमें। मेरी मम्मी जो है सासू माँ है वो लहसुन इसमें डाल देती हैं, उसका एक अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं तो वो नहीं डालें। इसमें देखिए मैंने मिर्ची में ये सारे जो मसाला हमने बना के रखा है उसको हम भर देंगे, और अच्छे से भर लीजिएगा जितनी आपका इसमें जा रहा है मसाला, क्योंकि और आपको देखिए मैंने पहले ही बचा रखा है, तो आप जैसे कम लगे तो उसमें थोड़ा सा वो जो मसाला है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा नमक डाल देना तो वो मसाला और हो जाएगा। अभी मैं पहले इसको भर के देख लूँ, अगर कम लगेगा तो मैं वो भी मसाला इसमें मिला लूँगी। इसी तरीके से सारा आप इस मिर्ची को भर लीजिएगा, और आपको भी एकदम भर के नहीं रखना है। और आप सोच रहे होंगे ये तो सूखी सूखी लग रही है, लेकिन ये अभी जब हम इसको किसी डिब्बे में भरेंगे ना, अभी इसको हम एक एक करके, ये मेरा तेल का ही खाली किया है तो मैं इसी में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा तेल भी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें ही अभी मिर्चियों को डाल दे रही हूँ। क्योंकि जब हम इसमें डिब्बे में रखेंगे ना तो मिर्ची थोड़ा पानी छोड़ देंगी, और इसमें मैं अभी तेल और डाल रही हूँ, अराउंड एक बड़ा चम्मच। तो इसमें जो तेल में ना मिर्ची कभी ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है कि तेल तेल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। आपका ये मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घर पे बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कीजिएगा। अचार पराठे दाल चावल के साथ तो अचार बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी, आज के लिए बाय बाय।